वेलकम आप सभी लोग का सीबी ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं स्क्वायर निकालना 11 to 199 का। इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको समझ आ जाएगा, वीडियो एंड तक देखिए। जिससे आपको अगर 13 का स्क्वायर निकालना है, आपको 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, निकालना है वर्क इसका, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है मीन इकाई का स्थान है उसका आपको स्क्वायर करना है। कितना होगा ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा 10 प्लेस का। अब इन दो नंबर जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 1 जा 3, और इसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 2 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे प्लस 6, तो बी मीटर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 कितना रहेगा 1 6 9। एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे हम लोग 17 का स्क्वायर, तो सेम 7 कितना होगा 49, 1 का कितना होगा 1। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 14, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 14 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये 9 सेम यहाँ पे रहेगा, 4 प्लस 4 8 यहाँ पे रहेगा, 1 प्लस 1 2 जाएगा 2 8 9। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं 26 का स्क्वायर अगर निकालना है आपको, तो करना क्या आपको, ये यूनिट प्लेस में नंबर दिया है इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे हम लोग, 2 6 जा 12 12 2 जा 24, इसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4, ये यूनिट प्लेस का नंबर वैसे वैसे रहेगा, 6 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 2 6, ये आपका आंसर होगा। तो मीन्स 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो एक बड़ा नंबर लेते हैं, 75 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 75 का स्क्वायर तो क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 7 5 जा 35 35 का मल्टीप्लाई बाय 2 में कर देंगे कितना होगा 70। मीन्स आपको इन दोनों गुणा करना है और इसका डबल कर देना है आपको, तो ये कितना होगा 70 70 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे, और ये 10 प्लस का 49 स्क्वायर होगा, ऐड कर देते हैं, ये 5 वैसे रहेगा यहाँ पे, 2 9 प्लस 7 6 कैरी 1 5, तो 5 6 2 5 ये इसका आंसर है, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग उसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर। देखो तो इसमें और भी आसान तरीका है, अगर आपको यूनिट प्लेस मीन इकाई के स्थान पे 0 दिया है, 10 का स्क्वायर हो गया आपका, आपका 30 का स्क्वायर हो गया या 40 का स्क्वायर होगा, तो ये सब भी आसान तरीके निकाल सकते हैं। करना क्या आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे 0 है तो 2 जीरो लगा देना आपके स्क्वायर वर्ग में, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देना, 1 का स्क्वायर 1, सिमिलर सेम यहाँ पे 0 यहाँ पे तो 2 जीरो लगा देना आपको, और 3 का वर्ग कितना होगा स्क्वायर 9 होगा, से 40 का भी यही फाइंड आउट कर लेंगे, 0 00 4 का 16, तो सेम इसी प्रकार का यूनिट प्लेस पे क्या आपको मिल जाए 15 35 85, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकालना हो जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो क्या करना है आपको, ये जो 5 का फर्स्ट क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे यूनिट प्लेस में, इकाई के स्थान कितना मिलेगा 25 मिलेगा। अब क्या देंगे, जो 10 प्लेस का नंबर है, जो दहाई के स्थान का नंबर है, उसके 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 हो गया आपका आंसर, स्क्वायर आ गया। सेम ये ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 3 के बाद कितना आएगा 4 4 3 जा 12, सिमिलर 85 का 5 का कितना होगा 25, 8 के बाद कितना 9 8 9 जा 72, तो एक इस पे 0 अगर दिया रहेगा इकाई के स्थान में तो आप यूज करना, यहाँ पे 5 दिया रहेगा तो नहीं, तो बाकी अगर आपको निकालना आसान तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं 100 के ऊपर के स्क्वायर कैसे निकालना है आपको, 100 के ऊपर के स्क्वायर वो भी बहुत ही आसान है, यहाँ पे जैसे 101 का आपको स्क्वायर वर्ग निकालना है, तो करना क्या आपको, ए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो 100 में 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, कितना होगा 102 होगा, और यहाँ पे ये जो नंबर 1 का स्क्वायर कितना है 1 होगा, और यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 डिजिट नंबर में यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो सेम अगर 104 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
104 में पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 को ऐड करेंगे, जितना 100 से मोर देन तो 100 से ज्यादा रहेगा, कितना मिलेगा आपको 108 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 डिजिट मिल गया, यहां पे आपका आंसर हो गया सेम। तो यहां पे भी ए हमने 104 का निकाला, अब 109 का भी स्क्वायर सेम ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, 109 में 9 ऐड कर देना, क्या करना आपको 9 ऐड कर देना, कितना होगा ठीक 118, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो इस प्रकार हम आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई नंबर अभी आपको आ गया 126 या 125, 137 का स्क्वायर, तो जैसे अभी अगर आपको निकालना 127 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिया है, तो फर्स्ट आपको जो नंबर यहाँ पे दिया है उसको ऐड कर देना, 127 प्लस 27 कितना होगा 154 हो जाएगा, तो यहाँ पे 154 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 27 का स्क्वायर निकाल लेना है, जो कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था स्क्वायर निकाला, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई बाय 7 कितना, 7 टू जा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 28, तो यहाँ पे 28 नीचे लिखेंगे हम लोग, 28 यहाँ पे लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ऐड कर देते हैं 9, यूनिट प्लेस का नंबर सेम ऐसे लिखना है, ऐड कर देते हैं 12 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 इज 7 जाएगा, 729। अब करना है क्या आपको, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर को छोड़ के बाकी यहाँ पे लिखना है 729, अब इनको ऐड करना है 9 2 कितना हो जाएगा 11 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 16129 इसका आंसर हो जाएगा। सेम प्रकार लोग नंबर लेते हैं 174 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम वही करेंगे, 174 में क्या करेंगे 74 को ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 248 यहाँ पे देंगे। सेम 74 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, 74 का स्क्वायर वही ट्रिक है हमने जो सीखा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, फिर 7 का स्क्वायर 49, 74 जो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 56 यहाँ पे ले देंगे, ऐड कर दो आप 6 7 9 प्लस 4 कितना होगा 9 प्लस 5 14 क्या है यहाँ पे 1 कर देंगे 5, तो 54762 आपको एंडिंग मिलना है, तो यहाँ से क्या आएगा 5476 ऐड कर देते हैं इसको, तो 76 सेम रहेगा 812, 5 प्लस 4 9 का 1 था तो 10 यहाँ पे 3, तो 30276 इसका आंसर हो। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी का भी स्क्वायर 11 से 199 तक निकाल सकते हैं। आपको 3 डिजिट में ही ध्यान देना है, आपको जो भी 2 डिजिट नंबर दिए रहेंगे उनको उसी नंबर में ऐड करना है, उसके बाद उसी नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसको ऐड कर देना, इस प्रकार आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं।